देश में कई तरह से महंगाई बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी दर बढ़ते जा रहा है, जो आज के युवा वर्ग के लोग हैं लगातार परेशान हो रहे हैं, ऐसा युवा वर्ग का कहना है। और सिर्फ छत्तीसगढ़ की ही बात नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से कई ऐसे वीडियोज़ आपको देखने को मिलते होंगे जिसमें बेरोजगारी को लेकर युवा वर्ग सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है, महंगाई को लेकर सबसे ज़्यादा युवा वर्ग के लोग सामने आ रहे हैं। इसलिए क्योंकि भविष्य में उन्हीं को इस देश में रहना है और उनको इस देश में अपना जीवन यापन करना है, तो महंगाई को कैसे उनका सामना होगा ये बहुत ही सोचने की बात है। और इसी विषय में हमारे साथ प्रशांत गोस्वामी मौजूद हैं। किस विषय पर आप देखिए, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा छत्तीसगढ़ प्रदेश में होने वाला है, जिसमें 5 लोगों का डेलीगेशन माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं और हमने माननीय अमित शाह जी से मिलने की एक याचिका दर्ज की है। लगातार केंद्र सरकार द्वारा किए गए वादे के अनुरूप 2 करोड़ रोजगार देने के वादे किए गए हैं, किंतु अब तक उनके जो ये वादे हैं तो पूरी तरह बेबुनियाद हैं। अग्निवीर जैसी एक दमनकारी योजना केंद्र सरकार द्वारा लाई गई है, जिसको वापस लेने के निवेदन करने तथा बढ़ती बेरोजगारी के विषय को लेकर के हम अमित शाह जी से मुलाकात कर उनसे प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आपके ये जो वादा खिलाफी है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ से आपके सांसद भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो कि केंद्र में उनका जो है बात जो है वहीं पहुंचाते हैं, अरुण साव जो हैं और भी बड़े नेता हैं, उनसे कभी चर्चा की जी? देखिए, रायपुर जिला NHAI द्वारा रायपुर सांसद सुनील सोनी जी का निवास घेराव किया गया था, जिसमें हमारा मुहिम था रोजगार दो या कफन दो। हम लगातार केंद्र को इस मुद्दे पर घेर रहे हैं, किंतु अभी तक केंद्र सरकार के कानों में सुदबुदाहट भी नहीं आई है और लगातार बेरोजगारी का दर बढ़ते जा रहा है। प्रशांत गोस्वामी, रायपुर जिला NHAI।